रुक रुक दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ आज आपको सबको पता है पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अमीश देवगन ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके हुजूर सुल्तान हिंद गरीब नवाज अली रहमत रिजवान की शान में गुस्ताखी की। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक तरफ तो चीन हम पर हमला कर रहा है और दूसरी तरफ डिबेट धार्मिक चला करके हमको आपस में बांट रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ चीन से बड़े ज़्यादा गद्दार न्यूज़ चैनल वाले ये लोग हैं। आज हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा होना चाहिए था, हम मोहब्बत से रहते, इखलास से रहते, चीन का सर मिल करके जवाब देते। आज हमें उस काम में लगना चाहिए था, हम अपने सिपाहियों की मदद करते, लेकिन इन लोगों ने धार्मिक डिबेट बिठा करके उधर मुद्दों से भटका करके आज मुल्क का अमन सुकून गारत करने में लगे हुए। तो हम आज हुकूमत हिंद से भी और जितने भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी उनसे ज्ञापन देने के लिए आएँ कि ऐसे न्यूज़ डिबेट पर पाबंदी लगनी चाहिए ताकि धार्मिक इस तरह पर कोई भी डिबेट नहीं हो किसी भी एतबार से। जब हो तो मुल्क की तरक्की के लिए डिबेट हो। आज हमें कैसे चीन से निमटना है, पाकिस्तान से कैसे निमटना है, जो भी हमारे मुल्क को आँख दिखाए, आज नेपाल की क्या औकात है, वो हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहा, आँख उठा रहा, हमें उधर तवज्जो देना चाहिए। लेकिन आज गरीब नवाज की शान, उनको पता है कि गरीब नवाज की ज़ात वो ज़ात है जिससे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान के अंदर और गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वो भी यहाँ पर आते हैं उनमें भी रोष होगा। तो सब मुद्दे को डाइवर्ट करके आज मुल्क की इकोनॉमिक तबाही हो रही है। सब कुछ है, सब जानते हैं, मीडिया भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, प्रशासन भी जानते हैं, हुकूमत भी जानती है। तो हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि मुल्क के हालात ख़राब हो जाएँ, बद से बदतर हो जाए, और इसकी जिम्मेदारी मीडिया की होगी, बिलखसूस इन लोगों की होगी जो बिल्कुल धार्मिक उत्पात के जरिए और धार्मिक भावनाएं भड़काते। तो हम यही गुजारिश करते हैं, अभी तो गुजारिश कर रहे हैं, वक्त आने पर हम और भी कुछ गरीब नवाज की शान में कुछ हुआ तो और भी कुछ कर सकते हैं। हमारे मुल्क के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बस यही हम यहाँ पर लेकर हाजिर हुए हैं कि अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको न्यूज़ से हटाया जाए, उसके ऊपर उसको सख्त से कार्रवाई करके उसको जेल में डाला जाए और इस तरीके की जैसे भी एंकर उनको उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन रिजवी। अरे देते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जाओ यार, जो कोशिश की है वो आप हां मैं रिफ्रेश दिला देता हूं।